वेलकम बैक एवरीवन इन क्लास थर्ड यूनिट नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन एंड इन अवर लास्ट वीडियो वी डिड एक्सरसाइज 7E सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 7F। अब देखो 7E में क्या था, उसमें डबल मल्टीप्लिकेशन तो थी, थ्री मल्टीप्लिकेशन भी आती, थ्री डिजिट, लेकिन उसमें क्या गिवन था, हमें जीरो गिवन होती थी, टू के साथ जीरो गिवन है, या तो वन जीरो गिवन होती थी या टू जीरो गिवन होती थी। तो क्या कर देते थे हम, स्टार्टिंग में जीरो लिख देते थे तो वो वन सिंगल मल्टीप्लिकेशन ही बन जाती थी, बाद में हम लास्ट वाली डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो सिंगल डिजिट बन जाता था, तो एक ही लाइन में आ जाते थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, अब इन क्वेश्चनों में डबल मल्टीप्लिकेशन है, टू डिजिट नंबर की टू डिजिट नंबर से ही करनी है। अब क्या है, इसमें जीरो गिवन नहीं है, हमें देखो वन वन है यहाँ पर, वन सिक्स है, अब जीरो नहीं है, अब हमें सीधा मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट, 12 की 11 से करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वन डिजिट पे फोकस करना है, वन प्लेस की वैल्यू पे। अभी आप टेंस प्लेस की वैल्यू को भूल जाइए, नेक्स्ट नंबर, अभी वन नंबर पर ही फोकस कीजिए स्टार्टिंग है। अब देखिए अब कैसा दिखाई दे रहा है हमें, सिंगल डिजिट दिखाई दे रहा है ना, सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो वन की टू से करेंगे क्या आएगा, टू, टू कहाँ आएगा, इस वन प्लेस के नीचे। वन की वन से करेंगे आएगा वन, कहाँ आएगा, इस प्लेस के नीचे। अब इस वन की तो मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब क्या है नेक्स्ट वाला वन। तो जब हम टेंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वन प्लेस वैल्यू, यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। क्रॉस के साइन का क्या मतलब है कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्लेस वाले डिजिट, सेकंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे अब हम। इसका मतलब वन की टू से करेंगे तो टू कहां आएगा, यहां पर आएगा सेकंड प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे। अब वन वन जा कितने होते हैं, वन ही होते हैं, वो आपका अलग से आ जाएगा न्यू कॉलम के साथ। अब क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, टू आपका एज इट इज आ जाएगा, टू प्लस वन कितने होते हैं थ्री, वन आपका एज इट इज आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 132। इसके बाद देखिए आप सी पार्ट में 16 की 16 से ही करनी है। तो सबसे पहले वंस प्लेस पे फोकस करते हैं, 6 6 जगह कितने होते हैं 36 का आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा हमारा कैरी, 6 वन जा 6, 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9। ओके अब क्या करना है, 6 की कर चुके हैं, अब सेकंड प्लेस वाले नंबर से करेंगे, टेंथ प्लेस वाले से क्या है वन है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम जो भी आंसर लिखेंगे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन सिक्स जा सिक्स, वन वन जा वन, सिक्स आप एस सी टी से आ जाएगा, नाइन प्लस सिक्स कितने होते हैं 15, कैरी वन, वन प्लस वन कितने हो जाएंगे 2, आपका आंसर हो जाएगा 256। इसके बाद देखते हैं ई पार्ट, अब पहले 5 से करते हैं, 5 4 जा कितने होते हैं 20, आपका आ जाएगा 0, कैरी 2, 5 3 जा कितने होते हैं 15 प्लस 2 मेक्स इट 17, 17 का 7 यहाँ पर आएगा, 1 आपका आ जाएगा अलग से न्यू कॉलम के साथ। अब करना है हमें 2 से मल्टीप्लाई, 5 से तो हम कर चुके हैं, 2 किससे करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना, 2 4 जा 8 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा, इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, 0 आपका एज इट इज आ जाएगा, 8 प्लस 7 कितने होते हैं 15, 15 का आ जाएगा आपका 5 यहाँ पर, कैरी हो जाएगा 1, सो 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7, प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, आपका आंसर हो जाएगा 850। इसके बाद देखते हैं हम जी पार्ट, जी पार्ट में क्या है, 2 की किससे करनी है हमें, पहले 6 से करेंगे, 2 6 जा कितने होते हैं 12, का 2 आ जाएगा कैरी 1, 2 5 जा कितने होते हैं 10, प्लस 1 कितने हो जाए 11, 11 क्या 1 आपका आ जाएगा टेंस प्लेस पे और 1 आ जाएगा आपका अलग से, 112 आ जाएगा। अब किससे करना है हमें, टेंस प्लेस वैल्यू से करना है, 2 से तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे हम, वंस प्लेस पे हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी हम आंसर स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सो 36 कितने होते हैं 18, 18 का आ जाएगा आपका 8 यहाँ पर, 1 आ जाएगा आपका कैरी, 35 कितने होते हैं 15, प्लस 1 कितने हो जाएंगे 16, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका अलग से, अब इसको ऐड कर दीजिए सिंपल, 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, 8 प्लस 1 कितने होते हैं 9, 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7, 1 का एज इट इज आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1790।
टू। चलिए इसका आई पार्ट और देखते हैं, फिर से कीजिए, फाइव सिक्स कितने होते हैं 30 का 3 आ जाएगा कैरी आपका, फाइव सेवन कितने होते हैं 35 प्लस 3 मेक्स इट 38, 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर। अब फोर से कीजिए, यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाएगा, फोर सिक्स कितने होते हैं 24, 24 का 4 यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपके कैरी हो जाएंगे। तो फोर सेवन कितने होते हैं 28 में 2 आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, 0 यहाँ पर आएगा और 3 अलग से आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए सिंपल, 0 एज इट इज आ जाएगा। 8 प्लस 4 कितने होते हैं 12, कैरी 1, 3 प्लस 0 3 और 1 हमारा कैरी भी है तो कितना हो जाएगा 4, 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 3420। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो कॉलम में अरेंज नहीं है, हमें इसको पहले कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा तब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हमें बनाना पड़ेगा इसको, तो बनाइए। सबसे पहले क्या है, ऊपर आपका 11 है तो 11 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा आपका 22, डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट, क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा, क्यों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, 2 आपका ये एज इट इज आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 242। इसके बाद देखते हैं हम डी पार्ट, ऊपर क्या है 43 आ जाएगा और नीचे 12, कीजिए मल्टीप्लाई। अभी वंस प्लेस पे फोकस कीजिए, इसको भूल जाइए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ओके आ जाएगा आपका 6 एज इट इज, 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11, कैरी 1, 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5, आपका आंसर हो जाएगा 560। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट, 25 की मल्टीप्लाई करनी है अब हमें 14 से, तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर 25 लिख दीजिए और नीचे 14 कर दीजिए, 4 5 जा कितने होते हैं 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 10, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 4 से तो हम कर चुके हैं 2 की, 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई, अब करेंगे 1 से, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1 प्लेस के लिए अब हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, अब जो स्टार्ट करेंगे हम आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, इसको ऐड कर दीजिए, 0 5 में 0 करेंगे तो 5, 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3, आपका आंसर हो जाएगा 350। इसके बाद देखते हैं हम डी पार्ट, 67 की 24 से करने हैं, तो 67 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 7 जा कितने होते हैं 28, 28 का आ जाएगा 8 यहाँ पर और 2 कैरी, 4 6 जा कितने होते हैं 24 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 26, 6 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दीजिए, 2 7 जा कितने होते हैं 14, 14 का आ जाएगा 4 यहाँ पर और 1 हो जाएगा आपका कैरी, ओके। 2 6 जा 12 प्लस 1 मेक्स इट 13, 13 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए सिंपल, 8 आपका एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 4 मेक्स इट 10, कैरी 1, 3 प्लस 2 मेक्स इट 5, प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6, और 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1608, ओके। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पार्ट 28 की 36 से करनी है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 28 को लिखेंगे, 28 आपका ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा, कीजिए 1 by 1, पहले 1 प्लेस वाले से करते हैं सबको, 6 8 जा कितने होते हैं 48, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 आपका कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 16, 6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम वंस प्लेस पे क्रॉस का साइन लगाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से करना है, 3 8 जा कितने होते हैं 24, 4 कैरी 2, इसके बाद क्या है 3 2 जा 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 8, ओके। अब सिंपल इसको ऐड कर दीजिए,
टू एट आपका एस जी टी से आ जाएगा, 6 + 4 कितने होते हैं 10, कैरी 1, 8 + 1 कितने हो जाएंगे आपके 9, 1 हमारा कैरी है तो कितना हो जाएगा 10, 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर, हमारा आंसर हो जाएगा 1008। इसके बाद देखते हैं डी पार्ट, 82 आपका ऊपर आ जाएगा और 56 नीचे आ जाएगा। 62 जा कितने होते हैं 12, कैरी 1, 68 जा कितने होते हैं 48, प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, 9 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, यहाँ पर कोस का साइन आ जाएगा। 52 जा 10, कैरी 1, 58 जा कितने होते हैं 40, प्लस 1 कितने हो जाएंगे 41, इसको ऐड कर लीजिए 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। 9 प्लस 0 कितना होगा 9, 4 1 प्लस कितना होगा 5, 4 आपका एज इट इज आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4592। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ इस एक्सरसाइज में जितने भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। यहाँ पर हमारी फिनिश होती है एक्सरसाइज 7F। इसके बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू एवरीवन।